हेलो गाइस, वेलकम टू टाटा ग्रुप। एंड आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले अवार्ड्स एंड रिलेटेड फील्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड भी है। ठीक है, ये मिल चुका है अभी 48 पर्सन्स को मिल चुका है, इंक्लूडिंग 2019। मतलब 2019 से पहले 45 थे, अभी 2019 के अंदर जो तीन है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका। जो धौला सदिया ब्रिज जो थी अरुणाचल प्रदेश में जो बनी हुई है, उसका नाम भूपेन हजारिका रख दिया गया है। तो ऐसे ही भारत रत्न 48 लोगों को मिल चुका है अभी, जिसके अंदर आर्ट्स, साइंस, पब्लिक सर्विसेज, सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स। सचिन तेंदुलकर को जब जो भारत रत्न मिला है वो स्पोर्ट्स के लिए नहीं मिला है, वो सोशल सर्विस के रिगार्डिंग मिला है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर भारत रत्न नहीं दिया जाता है, आर्ट्स, साइंस, पब्लिक सर्विसेज एंड सिंगिंग के अंदर। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें तो ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है जो आर्ट्स, साइंस एंड स्पोर्ट्स के अंदर मिलता है। एंड देन उस फॉलोइंग पद्म भूषण एंड पद्मश्री। सबसे हाईएस्ट होगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। आप उसको याद करने का थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो पद्म तो सेम है, विभूषण नाम से बड़ा है, देन सेकेंड भूषण उससे छोटा है, देन श्री सबसे छोटा है। तो ये नाम आप याद रख सकते हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। ठीक, एंड आगे बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। बात करते हैं तो ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, म्यूजिक में, जो इंडिया के अंदर है ए आर रहमान को मिला हुआ है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये आप बोल सकते हो अमेरिका के थ्रू, मतलब अवार्ड अवार्ड दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड की बात करें, ये स्पोर्ट्स के अंदर दी जाती है। अर्जुन अवार्ड के अंदर जो आपको जो अवार्ड मिलता है वो 5 लाख का है, 5 लाख रुपीज़ आपको मिलता है अर्जुन अवार्ड के अंदर। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड आ जाता है, ये कोच को दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे याद रखने का अच्छा तरीका है, अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक, बट द्रोणाचार्य अवार्ड जो गुरु थे, है ना, तो उनको कोचेज को दी जाती है, जो कोच होते हैं, है ना, उनको दी जाती है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसके अंदर भी 5 लाख रुपए मिलते हैं, अर्जुन अवार्ड में भी 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य अवार्ड में भी 5 लाख रुपए दी जाती है। फिर आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये भी स्पोर्ट्स के अंदर दी जाती है, बट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये हाइएस्ट अवार्ड माना जाता है इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स का आपको बोले कि हाइएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसके अंदर 7.5 लाख रुपीज मिलती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड मेडिकल साइंस विथ इकोनॉमी एंड लिटरेचर के अंदर। तो 6 फील्ड है, आप ये याद रखना, 6 फील्ड है, 6 फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, जो आपको पीस पीस जो है ये नोबेल प्राइज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिकल साइंस, इकोनॉमी एंड लिटरेचर, पीस जो प्रोवाइड आपको यहाँ पे करता है, ये आपको करता है नॉर्वे करता है। नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल का है ओस्लो, उसकी करेंसी है क्रोन। तो आप कैपिटल करेंसी भी धीरे धीरे करके याद करा करो, क्योंकि वो भी कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर अपन वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्वे का कैपिटल है नॉर्वे, ओस्लो, ओस्लो उसकी उसका कैपिटल है, करेंसी है क्रोन। अब याद रखें नॉर्वे देती है पीस, पीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्वे देती है। ठीक है, और अगर आगे बात करें तो ये बाकी के जो अवार्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमी एंड लिटरेचर, तो ये आपको देती है स्वीडन। तो ये अवार्ड आपको देती है स्वीडन। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिकल साइंस, इकोनॉमी और लिटरेचर, 4 फील्ड के अंदर हम अवार्ड दी जाती है। अब एक चीज और भी याद रखेंगे, 2019 के अंदर लिटरेचर के अंदर अवार्ड नहीं दिया गया था, मतलब पिछले साल, दो 2019 की बात कर रहा हूँ, तो 2019 में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिकल साइंस और इकोनॉमी, इन 5 फील्ड के अंदर दिया गया है लिटरेचर के, लिटरेचर को इंक्लूड नहीं किया गया है, 5 फील्ड के अंदर दिया गया था। ठीक, एंड इस बार लिटरेचर के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। 2018 वाली मैं बात बता रहा हूँ, 2018 की मैं बात बता रहा हूँ जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। तो लिटरेचर में याद रखेंगे 2018 में इंक्लूड नहीं किया गया था। देन हम ये स्वीडन, बाकी जो अवार्ड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमी और लिटरेचर, वो स्वीडन के अंदर है। स्वीडन की करेंसी क्या है,
स्वीडन की करेंसी है करोना, इस कैपिटल है स्वीडन की स्टॉकहोम एंड करेंसी है करोना, तो ये भी आप याद करते चलेंगे। एवल प्राइज की बात करें, एवल प्राइज जो है नोबल ऑफ मैथ्स इसको बोलते हैं, एवल प्राइज को नोबल ऑफ मैथ्स। एंड देन अवार्ड बात करें एसियाज, एसियाज नोबल किसको बोलते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोलते हैं। ये सोशल सर्विस पब्लिक सर्विसेज के लिए दी जाती है नोबल। वैसे रमन मैग्सेसे अवार्ड के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने उसकी मैग्सेसे की हिस्ट्री, जैसे 1957 से स्टार्ट हुआ है, किसके थ्रू मिलती है, कौन सी कंट्री देती है, फिलीपींस देती है, तो इस तरीके से मैंने उसमें डिटेल्स में सब हर एक चीज़ें वहाँ पे बताई हुई है। तो वो आप वीडियो नहीं देखा तो वीडियो आप जाकर देख लेना। व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान क्या है, लिटरेचर के अंदर है, 3.5 लाख रुपीज़ मिलता है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये भी लिटरेचर के अंदर है भाई, के बिरला फाउंडेशन देती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हाईएस्ट प्राइज है अगर आप बोलो लिटरेचर के फील्ड में इंडिया का, तो इसमें 11 लाख रुपीज़ मिलता है। ठीक, मैन बुकर जो है ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देती है, ये यूके भी या फिर ब्रिटेन बोलो, 10,000 पाउंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। कलिंगा अवार्ड की बात करें तो नेक्स्ट कलिंगा अवार्ड है, कलिंगा अवार्ड साइंस बाय यूनेस्को, ये याद रखना आप, कलिंगा अवार्ड देती है साइंस। कलिंगा अकबर ने लड़ाई लड़ी थी कलिंगा, है ना, तो वहाँ पे आप कलिंग से लड़ी थी, तो आप उस तरीके से आप थोड़ा रिलेट करो, याद करो, तो आपको अब याद हो गया होगा कलिंगा अवार्ड बाय यूनेस्को, यूनेस्को देती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, पुरानी जो साइट्स है, जो मॉन्यूमेंट्स है उनसे रिलेटेड है, तो अब थोड़ा बहुत रिलेट करके अब कलिंगा अवार्ड भाई यूनेस्को देती है, तो ये चीज़ आप याद रखो साइंस है। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर जो है वो साइंस भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, शांति स्वरूप भटनागर साइंस के अंदर दी जाती है। शांति स्वरूप भटनागर नाम से थोड़ा सा रिलेशन लग रहा है कि कोई साइंटिस्ट कुछ इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो उन तरीके से आपको याद रख लेना है शांति स्वरूप भटनागर साइंस के अंदर, जिसके अंदर 5 लाख रुपीज़ मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ठीक है, उसके बाद धनवंतरी जो है ये मेडिकल साइंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, धनवंतरी, धनवंतरी से ऐसा लग रहा है कुछ फीमेल का नाम होगा, तो इस तरीके से आप थोड़ा मेडिकल साइंस से रिलेट कर सकते हो, लड़कियां ज़्यादा होती है मेडिकल साइंस में, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, तो मेडिकल साइंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए, ये तो 16 थे अवार्ड्स से, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर कंटिन्यू करूंगा, उसके अंदर भी 15-20 अवार्ड्स के अंदर बताऊंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो।